नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। आज जितने भी हमारे हार्डवेयर से POS सिस्टम के लिए इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको बताएंगे दोस्तों। ये प्राइस आपका जानना ज़रूरी है ताकि आपने जब भी बिजनेस शुरू करते हैं या रनिंग बिजनेस है आपका आपका अननेसेसरी पैसा मतलब वेस्ट नहीं हो, ठीक है जी। और आपका कम से कम बजट में आपको सारे हार्डवेयर आपको मिल जाएंगे। इसका सारे का एग्जैक्ट रियल प्राइस में आपको बता देता हूँ दोस्तों, वन बाई वन क्विकली। ये जो है आपका कैश ड्रॉयर, ठीक है जी। ये कैश ड्रॉयर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉयर कहते हैं इसको। जैसे आपने प्रिंट करेंगे यानी बिल प्रिंट करेंगे ऑटोमेटिकली ये खोल जाती है। ये देखो, इधर ऊपर रखने के लिए भी ऑप्शन है। ये TVS कंपनी का जो कैश ड्रॉयर है दोस्तों, ये आपको इसके पीछे से एक केबल भी आती है, देखिए इस तरीके से। ये आपको ये जो प्रिंटर के पीछे घुसा देता है। ये काम इतना यही करते हैं दोस्तों, इसके एक्स्ट्रा कोई पावर सप्लाई वगैरह ज़रूरत नहीं है। मात्र ये प्रिंटर से जो पावर आती है छोटा सा वोल्टेज, उसमें से ये कैश ड्रॉयर खुल जाती है। इसका प्राइस जो है 3500 से लेकर के 4000 रुपीज़ तक आपको मिल जाती है दोस्तों नॉर्मली। ये TVS का है और उसका मेटल बॉडी है, जो बॉडी जो दिख रहा है आपको मेटालिक बॉडी है, ठीक है जी। और अंदर थोड़ा मतलब अंदर का जो जहाँ अपने कोइन वगैरह डालते हो प्लास्टिक का होती है ताकि आपको ज़्यादा साउंड वगैरह ना हो। और यहाँ देखिए ये वगैरह सब कुछ है। ये देखिए ब्यूटीफुल कैश ड्रॉयर दोस्तों, नंबर वन। और नंबर टू प्रिंटर में आते हैं दोस्तों। ये देखिए आपने प्रिंटर है, ये एप्सन T82X मॉडल का प्रिंटर है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्वालिटी नंबर वन है। अगर आपको सस्ता बजट में जाना है आपको एवरीकॉम भी ले सकता है, वो भी नंबर वन है। मैंने जितना भी दिया कोई कंप्लेंट नहीं आया अभी तक। एवरीकॉम आपको अमेजोन में भी मिल जाती है, 6000 रुपीज़ में आ जाती है। तो आपको जो लेना है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटर जो जो चाहिए आपने, एप्सन का ले लो या एवरीकॉम का ले लो, एवरीकॉम आपको 6000 में मिल जाती है, अमेजोन में अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे श्योर उसमें। और दूसरा क्या है आपको, कस्टमर डिस्प्ले। कस्टमर डिस्प्ले मैंने बहुत ढूंढा ये जो आइटम्स, और इसका लार्ज क्वांटिटी सप्लाई भी मेरे को अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे लेके आए, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने दिखाया था इसको। ये टिल्ट सब कुछ है इसमें, क्योंकि मैंने कस्टमर डिस्प्ले इसलिए लाया था, मैंने मेरा जो कस्टमर्स है वो बोल रहा था 6000-7000 रुपीज़ जा रही कस्टमर डिस्प्ले के लिए प्राइस। तो मैंने ढूंढा और वो भी 7000 जो 6000 जो बोल रहे जो कस्टमर डिस्प्ले, वो भी जो पुराना जैसा कैलकुलेटर में जैसा डिजिट नहीं आता था उस तरीके से, एक अजीब तरीके से आते थे, यानी ओल्ड स्कूल प्रोडक्ट। तो मैंने ऐसा ढूंढ के मेरे को ये वाला मिला, 5 इंच LED कस्टमर डिस्प्ले दोस्तों है। ये सिर्फ आपको 3200 रुपीज़ में मिल जाती है दोस्तों, ओनली 3200 रुपीज़, यही प्राइस है दोस्तों उसका। ये अमेजोन में आपको 3500 में है, लेकिन मैंने होलसेल में लेती है, मैंने लार्ज क्वान्टिटी में लिया है इसको, ताकि मैंने आपको यानी ये सब कुछ मिला जुला के प्राइस है, यानी शिपिंग यानी आपका जो क्या बोलते हैं उसको कुरियर चार्ज यानी GST सब मिला के प्राइस है दोस्तों। ये जितना भी मैंने प्राइस बोला ना सब GST सब मिला जुला के प्राइस है दोस्तों, इंक्लूडिंग आपका शिपिंग, ठीक है जी। और ये इसका प्राइस है दोस्तों। और आपका जो नेक्स्ट जो हमने आएंगे जो प्रिंटर्स, ये जो प्रिंटर आप देखिए दोस्तों, ये LP46 नियो प्रिंटर TVS का। इसमें आपको इनकेस आपको कम बजट में जाना है तो आपको ये प्रिंटर ले सकता है, जिसमें आपको बारकोड एंड रिसीप्ट दोनों प्रिंट कर सकता है, यानी जो बारकोड लेबल होती है कोई भी साइज का होने दीजिए, और इसका अंदर रिबन भी डाल सकता है, और डायरेक्ट थर्मल पेपर डाल करके आपको कस्टमर का बिल भी प्रिंट कर सकता है, दोनों कर सकता है। इसका प्राइस करंटली अमेजोन में मैंने यस्टरडे देखा था नियर अबाउट 14500 है इसका जो प्राइस है, और मैंने जो दे रहे आपको 13500, ठीक है जी। ये इसका प्राइस है दोस्तों, इसका जो GST सब मिला जुला के प्राइस है दोस्तों ये 13500, क्योंकि मैंने भी TVS से होलसेल में लेती है ये जो मटेरियल, इसलिए करके ये प्राइस है। और अमेजोन में डालने से क्या होता है, अमेजोन का एक्स्ट्रा फीस भी चला जाती है उसमें। चलो, और नेक्स्ट जो है आपका डिस्प्ले, ये जो देखिए डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले जो है
कस्टम यानी टच स्क्रीन डिस्प्ले, टच स्क्रीन मॉनिटर है, इसका पीछे कंप्यूटर नहीं है। अगर आपको इस तरीके से डिस्प्ले लेना है ब्यूटीफुल वे में, आप ले लीजिए, अमेजोन में अवेलेबल है दोस्तों, उसको भी नियर अबाउट 17,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है। मात्र डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, और इसका पीछे कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर आपका जो CPU, आपका जो नॉर्मल डेस्कटॉप वाला CPU नहीं है, सबसे बेस्ट है दोस्तों। यार इसमें जो बिठाया हुआ CPU का मतलब कंप्यूटर का इतना कैपेसिटी नहीं होता, टू बी फ्रैंक, वो मिनिमल कैपेसिटी का होती है, वो चलता भी बहुत ढिल्लू जाती है, है ना, ये इसका एक पॉइंट है दोस्तों। तो आपने मेरा एडवाइस क्या है, आप नॉर्मल अगर टच स्क्रीन में आपको जाना ज़रूरी है तो आप इसमें जाइए, और एक्सटर्नल सेपरेट आपको CPU लगा दीजिए, i5 या i3 प्रोसेसर लगा कर RAM लगाओ। और मेरा एडवाइस क्या है दोस्तों, आपने SSD डालिए, कभी मत आप यानी मैकेनिकल हार्ड डिस्क में मत जाइए, यानी पुराना जो ओल्ड स्कूल एक ये है अपना हार्ड डिस्क, मैकेनिकल हार्ड डिस्क यानी बहुत बड़ा होता है, अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया यानी SSD, वो डालिए, आपका कंप्यूटर इतना तेज़ी से चलेंगे, गारंटीड बात है दोस्तों, यानी मेरे ख्याल से नियर अबाउट 10 times फास्टर है इसका स्पीड, या प्रोसेसर है ना उसका जो रियल स्पीड आपको मिलना है, आपको SSD डालना है, ठीक है जी, वो आपने ध्यान से रखिएगा, जो भी लेती है आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक हो जाएंगे, ओके। और क्विकली हमने नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, अपना इसका प्राइस बताया, इसका प्राइस बताया, इसका बताया, और ये, और आपको आपका पास ये सब नहीं है, आप सिर्फ अपना लैपटॉप लेके आइए, नॉर्मल लैपटॉप लेके आइए, और एक प्रिंटर लाइए, देखो ये TVS के ये जो प्रिंटर है दोस्तों, प्रिंटर लाइए, और एक स्कैनर लाइए दोस्तों, और एक बिलिंग सॉफ्टवेयर लाइए बस, और आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे जाना है, ये लाइए, और इसका थोड़ा सा अदर आइटम्स में उसका भी प्राइस इमीडिएटली बता देता हूँ। TVS 101 स्कैनर 2,500 रुपीज़, केबल डाला हुआ स्कैनर है दोस्तों, ब्लूटूथ नहीं है, 1D स्कैनर है ये, मैंने इसलिए प्रेफर करता हूँ, 10 साल के बाद भी आपके पास ये रहेंगे दोस्तों, आप जितने भी पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखेंगे ये देखेंगे, क्योंकि इसका क्वालिटी एक नंबर का दोस्तों। मेरे को उतना मैंने जितना भी दिया हुआ ये जो स्कैनर, कोई कंप्लेंट नहीं है, और स्कैन भी एकदम प्रॉपरली फास्ट करता है ये जो स्कैनर, मैं आपको खोल करके एक बार दिखा देती है, देखिए ब्यूटीफुल स्कैनर है दोस्तों, ब्यूटीफुल, ठीक है जी। और एक एडवाइस है दोस्तों, ये जो जब ये स्कैनर लेती है इसके साथ एक पेपर मिलती है, ये आप कभी मतलब भेगो मत इसको, ये मतलब संभाल कर रखिएगा, इनकेस स्कैनर को रीसेट करना है तो ये ज़रूरी है दोस्तों, ये जो पेपर, इसलिए इसको भेगो मत, मात्र इस ये जो पेपर, बाकी सब आपने कवर कीवर सब भेगो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, यस। और हमने कुछ पेपर रोल स्टिकर रोल का भी क्लियर भी करते हैं, ये जो पेपर रोल 50 मीटर का बोलता है लेकिन आपको नियर अबाउट 40-45 मीटर में मिलती है, ठीक है ना, ये जो थर्मल पेपर रोल, डायरेक्ट थर्मल पेपर रोल, ये आपको होलसेल में जाएंगे आपको 30-35 रुपीज़ में मिलते हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन वगैरह में जाते हैं 58 रुपीज़ में आती है, मतलब 10 पीस का पैकेट आती है ये वाला, आपको 580 रुपीज़ में ही मिल जाती है, ठीक है ना, आपने होलसेल में लिया तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का ले लीजिए, थोड़ा सा मतलब इसका स्मूथ फिनिशिंग या एवरीथिंग नाइस है जिसका पेपर, थर्मल पेपर कहता है उसको। और आपको स्टिकर्स, लेबल स्टिकर्स बहुत सारे मॉडल, ये पेपर लेबल स्टिकर है इसको, ये जो है आपको निकाल कर चिपका सकता है, देखिए ये जो स्टिकर का टाइप है, ठीक है जी, ये स्टिकर का टाइप है, ये देखिए, और इसका अलग टाइप का बहुत सारा टाइप का आती है, ये भी देखिए, ये डबल यानी 2x1 इंच का डबल स्टिकर्स है, ठीक है ना, ये आपको 350 रुपीज़ के अंदर मिल जाती है। और ये जो कार्बन जो है वैक्स जो है, ये जो वैक्स आपको 350 के आसपास वही मिल जाती है, लेकिन ये जो है ना सस्ता वाला मत लीजिएगा जी, क्योंकि आपको प्रिंटिंग जब भी करते हैं ना जो फिनिशिंग नहीं आएगा, जब ये लेबल वगैरह जो होती है ना, ये बार कोड जो भी होती है उसको एग्जैक्टली वो जो लाइन फिनिशिंग मिलना है आपको, मतलब TVS वगैरह जो ब्रांडेड आइटम्स का ले लीजिएगा, ये रबर, ठीक है जी, ये नियर अबाउट 300 मीटर का है जी, 350 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, अमेज़ॉन से भी मिल जाती है। और आपको ये मैंने न्यूली मतलब हमारा कई सारे कस्टमर्स रिक्वेस्ट किया था इसलिए करके, सिंथेटिक टैग्स,
ये आपका गारमेंट्स में बहुत सारा दिखती है। इसमें कोई स्टिकर स्टिकर कुछ नहीं है, ये सिंथेटिक का यानी पेपर यानी क्या बोलते हैं उसको, पेपर नहीं बोल सकते इसको, एक अलग मटेरियल है दोस्तों, पेपर नहीं है, तरह प्लास्टिक का तरह सिंथेटिक आप जानते हैं ना। इस पर डायरेक्ट प्रिंट होती है, ये मैंने ये प्रिंट किया था, देखिए ये देखिए, बहुत अलग अलग कलर का भी आती है दोस्तों। ये जो सिंथेटिक मतलब उसका जो रिबन, ये देखिए ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, आपको दिख रहे हैं ना, देखिए। और आपको मैंने लास्ट टाइम ब्लू कलर का भी प्रिंट किया था, आप देखिए, और ये ग्रीन कलर का भी प्रिंट किया था, रेड कलर का भी प्रिंट किया था, लेकिन सबसे बेस्ट ब्लैक है, यानी उसको परफेक्ट है, देखिए। लेकिन इसमें प्रिंट करने के लिए आपको ये वाला रिबन नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली वैक्स है, वैक्स वैक्स है, ठीक है जी। और उसका जो रिबन अलग होती है, मैं लेके आता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो रिबन डालना पड़ेगा, ये देखिए, ये वैक्स रसिन करके लिखा है उसको, जब ये डालेंगे तभी इसमें प्रिंट होंगे, यानी प्रॉपर वे में, अदरवाइज ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रिंट होने के बाद इसको यानी कोई फिनिशिंग नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, यानी किधर प्रिंट हो गया किधर नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो वैक्स रसिन करके ये जो रिबन जब भी डालेंगे तभी प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट का प्राइस रिव्यू किया, कुछ बाकी है क्या अभी? अच्छा, ये इसका प्राइस भी मैंने आपको बताया ना, 2500 रुपीज़ है इसका जो प्राइस। तो बस दोस्तों, ये जो प्राइस अपडेट्स हैं ये भी बताया मैंने आपको, तो एवरीथिंग इज़ क्लियर, नाइस, थैंक यू सो मच। जो भी इसका रिलेटेड इंक्वायरी है और सॉफ्टवेयर का रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, RAINTECH POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, आप कॉल करिए दोस्तों। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपना जो चैटिंग का यानी लिंक भी है, कॉल नंबर भी है, यानी फ़ोन नंबर भी है, आप कॉल करिए दोस्तों। वी आर हियर From Monday to Saturday, morning 10 a.m. to evening 5:30. We are here to help you. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye-bye.